माता लक्ष्मी के वजह से विष्णु भगवान क्यों रो पड़े? कहते हैं कि जिस भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, वहां सुख शांति का वास होता है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बार ऐसा भी हुआ है कि श्री हरि को भी माता लक्ष्मी की वजह से रोना पड़ा? चलिए आपको मैं बताती हूँ। पौराणिक कथाओं में जिक्र मिलता है कि एक बार श्री हरि धरती पर भ्रमण के लिए जा रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी ने उनके साथ चलने की अनुमति मांगी। कई बार कहने पर भगवान विष्णु ने कहा कि वह साथ चल सकती है, लेकिन उन्हें एक शर्त माननी होगी। उन्होंने कहा कि धरती पर कैसे भी स्थिति आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। देवी लक्ष्मी भी भगवान की शर्त मान लेती है और साथ चल देती है। कथा मिलती है कि जब श्री विष्णु और माता लक्ष्मी पर भ्रमण कर रहे थे, तभी देवी की नज़र उत्तर दिशा की ओर पड़ी। उस ओर इतनी हरियाली थी कि वह खुद को रोक ना सकी और सामने दिख रहे बगीचे में चली गई। इसके बाद उन्होंने उस बाग से एक पुष्प तोड़ लिया और भगवान विष्णु के पास वापस आई। उन्हें देखते ही श्री हरि रो पड़े। तभी माता लक्ष्मी उनकी शर्त याद आई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी वस्तु को छूना अपराध है। देवी लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी, लेकिन श्री हरि ने कहा कि इस गलती की माफी उस बगीचे का माली ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें माली के घर में दासी बनकर रहना होगा। देवी लक्ष्मी ने उसी क्षण गरीब औरत का रूप धारण किया और सीधे उस माली के घर पहुंच गई। माली ने उनसे कभी खेत में काम करवाया, कभी बगीचे में तो कभी घर में, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वह दासी कोई और नहीं माता लक्ष्मी है, तो वह रो पड़ी। कथा के अनुसार माली ने माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना की और कहा कि जो कुछ उसने उनसे करवाया वह सब अज्ञानतावश था, इसके लिए वह उसे माफ कर दे। माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी वह नियति है इसमें उसका कोई दोष नहीं, लेकिन जिस तरह उसने माँ को अपने परिवार का सदस्य समझा, उसके लिए वह आजीवन सुख समृद्धि का वरदान देती है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि माली और उसके परिवार के सदस्य को जीवन में किसी भी तरह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान होकर विष्णु लोक वापस चली गई। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।